हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूज ऑफ वॉज एंड वर हम लोगों ने स्टडी किया था। ओके, वॉज का यूज कहाँ होता है ये हमने देखा था, एंड वर का यूज कहाँ होता है ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, वॉज का यूज किसके साथ होता है? वॉज का यूज ऑलवेज सिंगुलर के साथ यूज होता है। एंड वर का यूज, वर का यूज ऑलवेज प्लूरल के साथ यूज होता है। ठीक है, यू के साथ भी किसका यूज होता है? वर का यूज होता है। ठीक है, सो ये हम लोगों ने कल स्टडी किया था। फिर हम लोगों ने अपनी वर्क ड्रिल स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क, सॉरी मतलब मैंने एज अ क्लास वर्क आपको करवाया था, एंड जो नेक्स्ट रिमेनिंग टू क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे। ओके, सो सॉल्व करते अपने क्वेश्चंस। क्या करना है इसमें? ये जो नाउन्स हैं इनको इधर जो मतलब जो सब्जेक्ट है इनको प्रेडिकेट से मैचअप करना है। ठीक है, मैच करते हैं। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब वोज का यूज होगा, वर्क का यूज होगा, स्टूडेंट्स मतलब वर्क का यूज होगा। सो क्या करेंगे? वर द विनर्स, सॉरी वर राइटिंग देयर टेस्ट। स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? अपना टेस्ट राइट डाउन कर रहे थे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, द स्टूडेंट्स वर राइटिंग देयर टेस्ट। बच्चे क्या कर रहे थे? अपना टेस्ट में लिख रहे थे। ओके, सेकेंड द बॉयज, द बॉयज, बॉयज के साथ क्या यूज होगा? वर। ठीक है, बॉयज मतलब प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या यूज होगा? वर यूज होगा। सो द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्या बॉयज क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। ऑप्शन नंबर एफ, ऑप्शन नंबर एफ, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। ओके, दे, दे के साथ भी क्या होगा? ऑलवेज वर का यूज होगा। ठीक है, दे के साथ वर का यूज होगा, तो दे वर द विनर्स, दे वर द विनर्स, वो क्या थे? विनर्स थे। ऑप्शन नंबर बी, दे वर द विनर्स, वो क्या थे? विनर्स थे। ओके, देन नेक्स्ट सोनिया, सोनिया वॉज इन हर रूम, सोनिया कहाँ थी? अपने रूम में थी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सोनिया वॉज इन हर रूम, सोनिया कहाँ थी? अपने रूम में थी। माई मदर, मदर मतलब सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर मतलब क्या, किसका यूज होगा? वोज का यूज होगा, वर का यूज होगा। सिंगुलर का मतलब वोज का यूज होगा। सो माई मदर वॉज टॉकिंग विद माई आंट, मेरी मम्मी क्या कर रही थी? मेरी आंटी से बात कर रही थी। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, माई मदर वॉज टॉकिंग विद माई आंट, मेरी मम्मी मेरी आंटी से बात कर रही थी। ओके, अनुज, अनुज मतलब इसके साथ वोज का यूज होगा, वर का यूज होगा, वोज का यूज होगा ना। सो अनुज वॉज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, अनुज क्या कर रहा था? आउट ऑफ स्टेशन जा रहा था। अनुज क्या कर रहा था? आउट ऑफ स्टेशन जा रहा था। शी वॉज इन द रूम, वो कहाँ थी? रूम में थी। देखो अनुज के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा यूज हुआ है? डी, राइट डाउन करना बेटा ऑप्शन। ओके, देन शी वॉज इन द रूम, ऑप्शन नंबर एच, सी वॉज इन द रूम। द डॉग्स मतलब प्लूरल का यूज होगा। ठीक है, प्लूरल, डॉग्स मतलब प्लूरल है, प्लूरल के साथ किसका यूज होगा? वर का यूज होगा। सो द डॉग्स वर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे थे। ओके, सो यहां कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, क्या करना है? यूज ऑफ वॉज एंड वर। ठीक है बेटा, आप ये जो अपने फर्स्ट वर्ड्स है ना, इनको देख के भी आप वॉज एंड वर का मतलब कर सकते हो। ठीक है, जैसे करण वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम, करण अपने रूम में सो रहा था क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, वेनी एंड केसू वर सिंगिंग टुगेदर, क्या कर रहे थे? एक साथ गा रहे थे, मतलब प्लूरल हो गए ना, दो हो गए। ठीक है, वेनी एंड केसू दो हो गए, तो वर का यूज होगा। देन माई डॉल्स वर ब्रोकन, वर क्यों? क्योंकि डॉल्स किस में आते हैं? प्लूरल में आते हैं। ठीक है, डॉल्स किस में आते हैं? प्लूरल में, एंड प्लूरल के साथ किसका यूज होता है? वर का यूज होता है।
ठीक है. इट वॉज अ डार्क नाइट, वो अंधेरी रात थी. इट वॉज अ डार्क नाइट, वो क्या थी? अंधेरी रात थी. इट वॉज ए डार्क नाइट, एक अंधेरी रात थी. ठीक है, यूज फॉर सिंगुलर. ठीक है, इसलिए क्या यूज हुआ? वॉज यूज हुआ. ही वॉज अ ग्रेट राइटर, वो बहुत ही ग्रेट राइटर थे. ही वॉज अ ग्रेट राइटर, वो बहुत ही महान राइटर थे. ओके, द गॉड्स वर ऑन द ब्रिज, जो गॉड्स थी वो कहाँ थी? ऑन द ब्रिज. गॉड्स मतलब प्लूरल, सो प्लूरल के साथ वर का यूज होता है. ओके, सो द गॉड्स वर ऑन द ब्रिज. नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द बर्ड्स वर WERE वर क्रैपिंग ऑन द ट्री. बर्ड्स क्या कर रही थी? ट्री पर क्रैपिंग कर रही थी. ओके, देन 8, यू वर नॉट स्टडिंग, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे. यू वर, मैंने क्या कहा था? यू के साथ ऑलवेज वर का यूज होता है. ओके, सो यू वर नॉट स्टडिंग, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे. 9, माय फ्रेंड्स वर लेट इन द पार्टी, मेरे फ्रेंड्स पार्टी में लेट हो गए थे. गौरी वॉज स्केयर्ड ऑफ मंकीज, गौरी क्या हो गई थी? मंकीज से स्केयर्ड हो गई थी. ओके, सो यहां हमने क्वेश्चन नंबर बी एंड सी कंप्लीट किया है. ओके, अगर आपको चैप्टर नंबर 10th में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, चैप्टर नंबर 9th में या उससे पहले हमने जो चैप्टर्स किया उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप बहुत इजीली पूछ सकते हो. ओके, बाय.